दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया। अब इंतजार था तो इसे आसमान में उड़ाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले तेज तर्रार पायलट्स की। आसमान से देश की रक्षा करने की ये अहम जिम्मेदारी मिली है भगवान शिव की नगरी काशी के रहने वाली शिवांगी सिंह को, यानी वो पहली महिला पायलट होंगी जो फ्रांस मेड राफेल लड़ाकू विमान उड़ाएंगी। काशीवासियों के साथ ही पूरे देश के लिए ये ऐतिहासिक क्षण, जब एक महिला तमाम वर्जनाएं तोड़कर राफेल लड़ाकू विमान के साथ आसमान में गोते लगाएंगी और दुश्मनों के नापाक इरादों को नाकाम करेंगी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के फुलवरिया इलाके की रहने वाली शिवांगी सिंह को महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच के हिस्से के रूप में साल 2017 में ही भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला, जिसके बाद से वो 340 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुनिया के सबसे तेज लैंडिंग और टेक ऑफ विमान MiG-21 को भी उड़ा चुकी। ऐसे में राफेल उड़ाना उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। राफेल उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ले रही फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह की ट्रेनिंग जैसे ही पूरी हो जाएगी उन्हें वायुसेना के अम्बाला बेस पर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल कर लिया जाएगा। शिवांगी सिंह इससे पहले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ मिग फाइटर प्लेन भी उड़ा चुकी है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह पहले राजस्थान के फॉरवर्ड फाइटर बेस पर तैनात थे, यहीं से उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ उड़ान भरी। पिता को है बेटी पर गर्व। जिस पिता की बेटी देश सेवा के लिए लड़ाकू विमान उड़ाने जा रही, उस पिता को भला अपनी बेटी पर कैसे गर्व नहीं होगा। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनने जा रही शिवांगी सिंह के पिता भी अपनी बेटी को इतिहास रचता देखकर बेहद खुश हैं। शिवांगी के पिता सुशील सिंह ने बताया कि उनका सपना था कि वो पायलट बनकर विमान उड़ाए। हम लोगों को गर्व है कि हमारी बेटी बनारस के साथ ही देश का नाम रोशन करेगी। भाजी, ये बताइए कि किस तरीके का जीवन था उसका और कैसे वो आगे बढ़ी, कैसे यहाँ तक पहुँची और इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या आपकी सिर्फ प्रेरणा थी और आप लोग मेहनत करेंगे? उसकी प्रेरणा थी, मेहनत हम लोगों ने किया। बाकी तो घर की बात है, यूपी की पहली रफल उड़ाने जा रही लड़की, और तो बाकी सब ठीक है। कैसा बचपन था, कैसे बचपन तो हेयर कट की तरफ ही आकर्षित हो गया? वो उसके फौजी नाना थे, उसको एयर दिल्ली एयरवेज लेकर देखने के लिए, उसके बाद उसका जो है माइंड चेंज हुआ कि हम भी जो है कुछ करके दिखाएं। वो मेहनत करती गई, बाकी सपोर्ट हम लोग। आपसे क्या कहती थी उस समय जब मेहनत करती थी? क्या कहना, बच्चे हैं जो इतना थोड़ा नहीं याद है क्या बोली क्या नहीं। आप कितना खुश हैं आज, लगता है आपका सपना पूरा हुआ? हाँ, सपना तो बहुत पहले ही पूरा हो गया, कल आज और खुशी हुई एयरक्राफ्ट उड़ाने जा रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने वाली शिवांगी सिंह ने 2013 से 2016 तक BHU से ही NCC की ट्रेनिंग ली। शिवांगी की मां सीमा सिंह घर का कामकाज संभालती, जबकि भाई मयंक बनारस में 12वीं के स्टूडेंट हैं। सामान्य परिवार में रहने के बाद भी आसमान की ऊंचाइयां छू रही बेटी की इस उपलब्धि पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल। आज कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए और क्या लगता है जो संघर्ष था वो खत्म हुआ? ऐसा संघर्ष तो जीवन में किसी का भी खत्म नहीं होता, अंत तक वो संघर्ष कर रही है देश के को बचाने के लिए, अपनी सीमा पे तैनात रहेगी तो अपने देश को सभी मुसीबतों से बचाएगी। और क्या, कैसा बचपन था उसका और कैसे यहाँ तक पहुँची? बचपन तो उसका बहुत अच्छा था, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। उसके बाप ने जो भी उसका डिमांड था सब पूरा करते गए, पढ़ाई भी जो भी करती करना था वो भी किए, स्पोर्ट्स में वो इंटरेस्ट लेती थी स्पोर्ट्स में भी जाने दिए क्योंकि वो नेशनल लेवल तक गई है बास्केटबॉल में और जेवलिन थ्रो में। तो उसके बाद जो है कॉलेज में भी उसका परसेंटेज अच्छा था, 10th में भी 90% ऊपर स्कोर की थी, पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, साथ में स्पोर्ट्स में अच्छी थी। फिर NCC में गई, वहाँ भी उसके जो कर्नल थे CO सब बहुत तारीफ़ करते थे कि इसकी तरह लड़की कोई ड्रिल नहीं कर सकता, ये लड़कों से बढ़ के है ये लड़का, हम वो कहते थे ये मेरा बेटा है बेटी नहीं। और बाकी तो उसका अपना संघर्ष ही है, संघर्ष करती है। विमान जो आया है फ्रांस से उसको उड़ाएगी, बहुत ज़्यादा खुशी है, उसको व्यक्त तो कर नहीं सकता, नहीं खुशी हो सकता व्यक्त तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक तरह से तो खुशी है तो एक तरह से डर भी है, दोनों चीज़ है ना। पहली बार कोई चीज़ नया MiG-21 उड़ाई तो काफ़ी महीनों सालों से उड़ा रही थी तो ठीक था, कॉन्फिडेंट थी, अभी नया चीज़ है तो टाइम लगेगा सीखने में, सीख जाएगी तो वो भी कर लेगी।
सफर रहा और कैसे उतनी ऊंचाई तक पहुंची? देखिए सफ़र तो मुश्किल ही था क्योंकि मेहनत तो करनी पड़, मेहनत के बिना नहीं पहुँचे वहाँ पे। और उसके बाद वो हमेशा से ब्रिलियंट स्टूडेंट ही रही है, तो हमेशा मतलब पढ़ाई लिखाई सब में अच्छी ही रही है। उसके बाद स्पोर्ट्स में भी उसका मन था, तो हमेशा से वो फर्स्ट आई है, उसके बाद अवार्ड मिला है, उसके बाद वो एफकेट में गई है। बाकी उसका एयरफोर्स में मन था, उसमें गई है, और अब उसे मौका मिलते जा रहा है, वो मौके का सही उपयोग करके अपने आप को और ऊपर पहुँचाएगी। अब राफेल उड़ाने वाली है, कितना बड़ा महत्वपूर्ण पल है आपके लिए? ये बिल्कुल अच्छी बात है। रफाल पहला 5 रफाल हिंदुस्तान को भी मिला है, और उस 5 को हवाई जहाज को उड़ाने के लिए हमारी एक बहन उसको उड़ा रही है, तो हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है, और हमारे बनारस शहर और पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव का पल है कि हमारी बेटी उड़ाने का उसे मौका मिला। शिवांगी फिलहाल अभी MiG-21 लड़ाकू विमान को उड़ा रही, और इसी अनुभव के बाद अब राफेल की कमान देने की तैयारी की जा रही। राफेल विमान उड़ाने की ट्रेनिंग के बाद ये महिला पायलट भी राफेल की 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेगी। यही स्क्वाड्रन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में राफेल विमानों को संभालती। भारतीय वायुसेना में सबसे अत्याधुनिक विमान राफेल को उड़ाने जा रही बनारस की इस बिटिया ने न सिर्फ अपने माँ बाप का सीना चौड़ा किया, बल्कि बेटियाँ बेटों से कम नहीं है ये दिखा भी दिया।